गुरुदेव की साहेब गुरबिन तरह न कोई जो बिरंच शंकर अब साहब एक बात कह रहे हैं ऐसी क्या बात है कोई भी जीव गुरु के बिना संसार सागर से नहीं तर सकते इस धारणा में थोड़ा भेद है बाजे संप्रदाय कुछ वो है जो गुरु के अस्तित्व को नहीं मानते थोड़ा उनकी तरफ भी हम ध्यान देते हैं पहला जोगी जोगी करता है योग करो तुमने तुम अपने अंदर एक शक्ति का उद्गम करो और भी है कुछ जो आत्मा को ही सब कुछ मानने वाले हैं वो गुरु का महत्व तो नहीं देते तो महत्व नहीं देते अब मेरा एक सवाल है आत्मा ही सब कुछ है ये विचार ये धारणा उन्हें कहां से प्राप्त हुई निसंदेह यह सामवेद का उद्घोष है मैंने दो तीन दिन पहले लाइव प्रोग्राम में एक बात बोली थी वो ये कि दुनिया के जितने भी मत मतांतर और धर्म है सबका उद्गम ही वेदों से है पहली बात संसार में इस समय प्रचलित परमात्मा अस्तित्व की जो धारणा है वह है निराकार अगर आप देखें तो मुस्लिम भी कह रहे हैं बेचू ना खुदा ईसाई भी कह रहे हैं आकाशी पिता वेद भी निराकार की बात कह रहा है अब यहां सवाल ये उठा सबसे पहले परमात्मा निराकार है ये धारणा ये तथ्य किसने बाहर रखा पंद्रह साल पहले इस्लाम नहीं था लेकिन वेद ने तब पहले ही कहा है परमात्मा निराकार है, और 2023 साल पहले ईसाई नहीं थे पर यह धारणा पहले भी थी चार वेद मिल झगड़ा ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना अब साहब यहां क्या करे चार वेद मिलकर आपस में झगड़ा किए ब्रह्म रूप को कोई नहीं जाना ऋग्वेद कह रहा है परमात्मा निराकार है यजुर कह रहा है भाई निराकार मीन्स नथिंग वो परमात्मा अपने आपको साकार रूप में लाया वो ही सत्य इसलिए यज्ञ तीर्थ व्रत और देवी देवताओं की उपासना प्रारंभ हुई ये संदेश यजुर् ने दिया अब सामवेद क्या बोल रहा है न कोई साकार न कोई निराकार आत्मा ही परमात्मा है इसलिए दुनिया में काफी प्रचलित धर्म हैं जो परमात्मा को नहीं बोल मानते महात्मा बुद्ध के शब्दकोश में ईश्वर नाम की चीज नहीं है उन्होंने आत्मा का ही साक्षात्कार किया इस तरह कुछ और भी मत है इसी तरह अगर आप मंथन करेंगे तो पारक में भी पहले सिर्फ आत्मा ही सब कुछ है ये था अब मैं ऐसे लोगों से एक सवाल पूछता हूं और ये है सामवेद का संदेश मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं जब आत्मा ही सब कुछ है तो बंधन में कैसे पड़ी तो कहते कर्म के कारण और चौथी धारणा अथर्वेद कह रहे न आत्मा न परमात्मा न साकार न निराकार कर्म ही धर्म है आपने कई गाड़ियों पर भी ये शब्द लिखा हुआ देखा होगा कि कर्म ही धर्म है वाह साहब इस साफ कह रहे चार वेद मिल झगड़ा की ना ब्रह्म रूप हु नहीं चीना मैंने संतों के विरोध की पहले भी बातें बोली हैं लाइव प्रोग्राम में आज उसका थोड़ा सा लिंक ले रहा हूं आदिकाल से यही धारणा संसार में प्रचलित रही चार धारा धारणाएं संसार में मुख्य रूप से ईश्वर तत्व के लिए है पहला दुनिया के बहुत से धर्म और लोग परमात्मा को निराकार मानते यही बात ऋग्वेद भी कह रहे हैं जेते दृश्यम तेते अनित्यम जेते आदृशम तेते नित्यम जो भी दृश्य दृश्य मान हैं सब नाश हो जाए। दूसरी धारणा सर्वगुणवाद की है ये यजुर्वेद द्वारा चली तीसरी धारणा ईश्वर नहीं है आत्मा ही सब कुछ है ये सामवेद से चली लोगों ने और चौथी धारणा कर्म ही सब कुछ है अथर्वेद से चली यही धारणा लोगों ने धारण की साहब के शब्द में वजन है चार वेद मिल झगड़ा की ना ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना चार वेद मिलकर झगड़ा किए पर वो ब्रह्म रूप को नहीं चीना उसके बाद यही धारणा थी इस दुनिया में और कोई धारणा नहीं थी संतत की धारा जब आई साहेब आए उन्होंने एक और चीज उत्पन्न की एक संदेश और दिया तीन लोग से भिन्न पसारा अमर लोग सदगुरु का नारा उन्होंने आकर उस आदि पुरुष की बात कही उनकी वाणियों में एक चीज मिलती है और वहीं से संतत्व की धारा शुरू हुई इसका उद्गम साहेब से ही हुआ अब उन्होंने क्या बोला आकर के क्यों विरोध हुआ इतना संतों का संतों का ही नहीं आप सबका भी विरोध हो रहा होगा वो क्या धारणा दी ये तीन लोग में यम का ये पूरा तीन लोग निरंजन के हाथ में है सयाद के काबू में है सब जीव बिचारे तीन लोग से भिन्न पसारा अमर लोग सदगुर का न्यारा तहा नहीं पर की छाया अर्थार्थ ये वहां पांच तत्व तो नहीं है ये सब चीज नहीं है ये धारणा आगे जो पालो की संत वो संत कहलाए जब संतो साहब ने आकर ये चौथे लोग का संदेश दिया तो पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक 400 साल पूरे देश में एक लहर चली संतत्व की धारा की इस श्रृंखला में 32 संत हुए बदस्तूर उन बत्तीस संतों की गद्दियां आज भी चल रही है उन्होंने इसको फॉलो किया और उन्होंने कहा यह जितनी भी कृतिम उपासना है हमारी आत्मा से इसका संबंध नहीं सब ये प्राकृतिक है हालांकि गोस्वामी जी ने भी साहब को ग्रहण धारण किया है अगर आप मंथन करेंगे रामायण का तो आप पाएंगे गोस्वामी जी ने कंप्लीट कबीर साहब की बात बोली है। यहां तक वो कह गए अपनी वाणी में जप व्रत यम नियम अपारा बोल रहे ये सब यम के नियम है श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा दूसरा वहां कबीर साहब की झलक मिलती है गोस्वामी जी कबीर साहब से पौने दो सौ साल बाद में आए धरती पर वो अकबर के समय आए थे अकबर ने गोस्वामी जी को कैद भी किया था इस तरह उत्तरकांड को अगर आप मंथन करेंगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएंगे अब आप देखिए गोस्वामी जी तो साहब कह रहे हैं जब तप नियम आ पा रहा है ये काल के नियम है पर गोस्वामी जी लपेट कर बोले क्यों उस समय ये सरगुणनाथ की धारा स्थापित हो चुकी थी मैंने एक बात कई बार बोली है भक्ति क्षेत्र वो है जिसमें लागत नहीं और आय बहुत है और देश में पंद्रह करोड़ लोग से भी ज्यादा भक्ति के नाम पर रोटी खाते हैं। आज से पंद्रह साल पहले मैंने पढ़ा था समुद्र के ऊपर पचास करोड़ लोग रोटी खाते हैं पूरी दुनिया के उनकी जीविका का संसाधन समुद्र है आप देखें जैसे भारत कृषि देश है ये कृषि प्रधान है यहां की आबादी का साठ प्रतिशत कृषि पर डिपेंड करता है और कुछ कृषि के साथ व्यापार व्यापार भी थोड़ा जोड़ करके अपना जीविका का, का निर्वाह करते हैं इस तरह भक्ति क्षेत्र में भी अब समुद्र पर पचास करोड़ लोग कैसे रोटी खा रहे हैं कोई मछुआरे हैं वहां से मछली पकड़ते हैं कोई नाविक है नाव चलाते हैं बड़े बड़े स्टीमर हैं जो पचास पचास लाख टन वजन उठाते हैं एक ट्रक जो वजन उठाती है उससे सौ गुना ज्यादा वजन रेलगाड़ी उठाती है और उससे हजारों गुना ज्यादा पानी के जो शिप है वो देखो तमाम विदेशों से सामान आ रहा है और यहां से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये सब समुद्र के द्वारा है इसलिए समुद्री जहाज में एक मेरा शिष्य वैज्ञानिक था इंजीनियर था उसने बोला गुरुजी समुद्र के अंदर तीस तीस लाख टन सामान उठाने की कैपेसिटी है तीस लाख टन का मतलब है तीन लाख तेल के लाख टंकर अगर तीन लाख टंकर जम्मू से हम अयोध्या तक लगा दें तो रास्ते में जगह नहीं बचेगी जब वो चलेंगे तो कितनी बड़ी बिजनेस उस पर हो रही है कहीं ऐसी ही बिजनेस धर्म क्षेत्र पर भी है कोई ज्योतिषी बनकर के कोई पंडा पुजारी बनकर के कोई वक्ता बनकर के इस तरह जीवन निर्वाह करते हैं हमें किसी से शिकायत नहीं है ज्ञान तत्व की एक वृत्ति है सबसे प्रेम करना है जो दोष कर रहे हैं उन्हें दुर्संगत प्राप्त हुई है इसलिए दोष कर रहे हैं उनसे भी नफरत नहीं करना तो इस प्रकार से विरोध क्यों हुआ जब साहब ने यह संदेश बोला बहुत बड़ा हजूम वहां से डाइवर्ट होकर संतत्व की धारा में आ गया मैं एक उदाहरण दे रहा हूं रंजड़ी में ही जम्मू कश्मीर में हमारा सबसे बड़ा आश्रम है और यह हमारा आश्रम विश्व लेवल का है आप भरोसा करना इतना बड़ा आश्रम विश्व में कहीं नहीं है वो कैसे यहां पर एक लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था है आप सब यहाँ आते हैं देखते हैं। इस बार मेरे जन्मदिन पर करीब एक लाख बीस हजार लोग आए थे उनको भोजन छाजन रहने की सुविधा स्नान वगैरह ये सब चीजें स्टेशन तक लाना एयरपोर्ट तक से लाना पहुंचाना ये सब कार्य हम कर रहे थे इसलिए इतनी बड़ी व्यवस्था हालांकि बड़े बड़े धर्म स्थान है जहां लाखों की मात्रा में लोग जाते हैं पर वहां व्यवस्था नहीं है ये आप कई तीर्थ स्थान है कई जगहों पर प्रसिद्ध प्रसिद्ध वहां जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए उन स्थानों पर रुकने की व्यवस्था नहीं है ये काफी जटिल काम है आप में से काफी लोग मेरे जन्मदिन पर जम्मू आए होंगे आपने अनुभव किया होगा आप सबको भोजन तीनों टाइम मिला रहने की व्यवस्था मिली कमरा मिला बिस्तर मिला शौचालय शुद्ध मिला स्नान घर शुद्ध मिला और आपको रेलवे स्टेशन या बस अड्डे या एयरपोर्ट से हम करके यहां लाए जिनको ये सुविधाएं मैं बोल रहा हूं उपलब्ध हुई कृपा करके हाथ खड़ा कर मैं झूठी बात नहीं बोल रहा हूं आपके नजदीक काफी तीर्थ स्थान है जहां लाखों की तादाद में लोग जाते कहीं भी रुकने की व्यवस्था नहीं बनाई कहीं भी भोजन की व्यवस्था नहीं है ऐसा कहीं है ही नहीं है नहीं है सुनिए आइये मैं क्या बताना चाह रहा हूं और बहुत कम टाइम पर हमने 425 सौ आश्रम भारत में बना दिए ये भी बहुत बड़ा अजूबा है ये भी बहुत बड़ा अजूबा है साथ में हमारे पंथ में एक नियम है चंदा नहीं करते मैं चंदे को भ्रष्टाचार मानता हूं बीच में कुछ चंदा चल रहा था मैंने लोगों को समझाया चंदा न करो इसमें कुछ भ्रष्ट लोग वैसे ही आकर नकली पर्चियां छपवा करके पैसा वसूलेंगे लोगों से चंदे से भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है इसलिए हम चंदा नहीं करते तो बंधुओं इस प्रकार से एक बहुत बड़ा हजूम लाखों की तादाद में कबीर साहब की तरफ डाइवर्ट हो गया था इससे क्या हुआ जिन्होंने पहले अपने मठ स्थान बनाए थे उनके रोजगार पर बहुत बड़ा अंतर पड़ गया तो एडवर्स पब्लिक सिटी यानी विरोधात्मक प्रचार बहुत ज्यादा हो गया संतत्व की धारा का इसका एक प्रमाण मिलता है कि संतों को बड़ी यंत्रणाएं दी गई ये कौन लोग थे जिनकी जीव का निर्वाह का साधन ही धन था धर्म क्षेत्र वो ज्यादा इसमें आक्रांत गए इतिहास इसको बताता है तो बंधुओं ये स्वाभाविक है और वो स्थापना स्थापित की गई आज भी उस संत काल के उसको भक्ति काल भी कहते हैं पंद्रवी शताब्दी से प्रारंभ हुआ क्योंकि साहब का आगमन तेरह अंठानवे में हुआ ईस्वी तेरह सो अंठानवे तो पंद्रहवी शताब्दी सोलहवीं शताब्दी सत्रवीं शताब्दी और अठारवी शताब्दी पूरी ये चार सौ साल को भक्ति काल और संत काल कहते हैं आप इतिहास में भी देख सकते हैं एक धूम मची और जबरदस्त विरोध हुआ इससे मैं अभी आपको एक बात बोलने जा रहा था मैं राजड़ी गांव में हूं हमारा आश्रम सबसे पहले मैंने देखा यहां बहुत बड़ा विरोध हुआ मैं दिल में सोचता था ये विरोध क्यों हो रहा है यहां नौ औजात आंतरिक सियाने थे अब यहां मेरे लोगों ने एक प्रचार चलाया कि नाम के बाद भूत प्रेत नहीं आते और ये साहब ने ठीक भी कहा है भूत विशा जो है सब आ रहा तो उनके रोजगार पर अंतर पड़ गया तो विरोध करने लगे अनाप शनाप बोलने लगे मैं उसका प्रतिकार नहीं किया मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया एक बालक था बड़ा नटखट था उसके मां बाप दोनों मर गए जब माँ बाप दोनों मर गए तो ताऊ ने उस बच्चे को पाला स्वाभाविक है इस तरह मेरे दो भाई चले गए संसार से मैंने उनके बच्चों को संभाला तो वो बच्चा थोड़ा शरारती था एक दिन उसने अपने ताऊ को बोला पिताजी से जो बड़ा है उसको ताऊ कहते हैं जो पिताजी से छोटा भाई है पिताजी का उसको चाचा बोलते हैं उसने कहा ताऊ ताऊ ताई मुझे बहुत मारती है ताऊ जानता था यह बहुत शरारती है ताई उसको भोजन भी देती थी निलाती भी थी सब काम करती थी ताऊ ने बोला भाई तू शैतानी करता है तुझे ताई पूरा तेरी परवरिश कर रही है तू शैतानी करता है इसलिए मारती है लड़के ने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया बोला ठीक है मारती है कोई बात नहीं लेकिन जब मैं रोता हूं रोने भी नहीं देती है <laughs> ने कहा तेरी इस बात में बड़ा वजन है अब जो नौ लोग यहां मेरा विरोध कर रहे थे उनकी जीविका उपार्जन का उपार साधन ही था झाड़ा फूकी और हत्या मनाना उसी से उनका जीवन बसर था तो जब उनकी आय कम हो गई तो वो मेरे विरुद्ध बहुत कुछ बोलने लगे कब तो रो रहे थे तो रोने तो देना है ना आप भी देख रहे होंगे जब आप सदगुरु की भक्ति से जुड़े हैं तो आपका गौर विरोध हो रहा होगा और ये विरोध व्यापक रूप से होता है आपके गांव के लोग भी आपका विरोध कर सकते हैं मैं आपको एक उदाहरण देता हूं आप इससे सुन लेना एक आदमी ईसाई धर्म अपना लिया जम्मू की बात है उसने फिर क्या किया अपने माता पिता भाई बंधु सबको उधर ले गया वो भी ईसाई बन गए गांव में किसी ने विरोध नहीं किया एक दिन वही आदमी उसके हाथ में मेरी कहीं पुस्तक लग गई एक जब पुस्तक पढ़ा तो उसने कहा भाई इसमें बड़ी गहरी बातें हैं। मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूं मेरा आदमी लेके आया उसे उसने मुझे बताया कि इसने ईसाई धर्म धारण किया है और ऐसा ऐसा है जब मैंने कहा सत्संग सुनो उसने मुझसे दीक्षा ले ली उसने दीक्षा ले ली वो अपने भाई बंधुओं को भी दीक्षा दिला दिया परिवार वालों को माता पिता को भी मुझसे दीक्षा दिला दिया एक दिन मुझे आकर बोला गुरुजी गांव वाले अब मेरा बहुत विरोध कर रहे हैं अब थोड़ा आप गौर करना ईसाई बन गया किसी ने विरोध नहीं किया मुझसे दीक्षा ले ली तो पूरा गांव विरोध करने लगा अरे भाई ईसाइयों का खान पान अलग है संस्कृति अलग है मान्यताएं अलग है ईसाई बन जाने पर किसी ने विरोध नहीं किया साहेबंदगी आने में विरोध किया क्यों किया बहुत बड़ा फैक्टर बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि गांव में जो चेले चपटे थे ओझा तांत्रिक झाड़ा फूकी करने वाले उन्होंने सोचा ये ईसाई बना बाकी ईसाई नहीं बन सकते लेकिन ये साहेबंदगी में चला गया तो बाकी को भी ले जाएगा हमारा रोजगार खराब हो जाएगा आप देख रहे होंगे कि ये आपकी एडवर्स पब्लिक सिटी कु बड़े जोरों पर होता होगा अब यहां एक सवाल उठा जो भी आपका विरोध करेगा किसी भी सीमा तक जा सकता है वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपके अंदर नैतिक बदलाव मतलब कितना आया आप पहले से कितने अच्छे हो गए वो ये नहीं देख है ये बात ठीक वैसे ही है जो आपका अवरोधी है वो आपके सभी गुणों को दरकार करता है सिर्फ आपकी कमियां गिनाता है अब मैं यही पूछ रहा हूं आपने देखा होगा सुमरण के बाद नाम लेने के बाद आपकी जीवन में बहुत बदलाव सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बन गए आप पाप कर्म नहीं कर रहे तो भाइयों आपका विरोध क्यों हो रहा है फिर जिनको लग रहा है हम नामदान के बाद बदल चुके हैं कृपा करके हाथ खड़ा करो जब आपके जीवन में ऐसा अमूलच परिवर्तन आया तो उन्होंने अनुकरण करना चाहिए ना उन्होंने अनुकरण करना चाहिए एक बार एक सेठ मेरे पास आया और एक बार एक आर्मी का कर्नल आया मेरे पास दीक्षा लेने वो मद्रास साइड दक्षिण भारत का था मैंने उससे पूछा आप मुझसे दीक्षा ले रहे हैं विश्वास है आपकी मेरी पहली मुलाकात है उसने कहा पूरा मैं बोला पूरे विश्वास का आधार क्या है उसने एक आदमी जो चौकीदार था एमईएस ई e. उसी कर्नल के अंडर में था बोला ये इंसान ये ईश्वर है इसको देखकर मुझे प्रेरणा आई बाकी कुछ लोग हेरा फेरी इधर उधर की चाला की, हाँ, वो सब करते ये नहीं करता है और जब आता है आपकी बात करता है इसका परिवर्तन देखकर मुझे प्रेरणा मिली इसी तरह जो आप में से काफी लोग बैठे हैं उनके घरों में मैं नहीं गया हूं निसंदेह काफी लोग मेरे लोगों का आचरण देखकर इधर आए होंगे और मैंने सभी बरादरी और सभी धर्म के लोगों को जोड़ा साहेब की भक्ति में ये पांडे जी बैठे हैं इनसे पूछना न जाने कितने ब्राह्मणों को ये साहेब की भक्ति में जोड़ा भानु बैठा है इन्होंने भी बहुत से लोग जोड़े आप में से भी काफी है तो इस तरह से मैं ये कहने जा रहा हूं कि विरोध होना ही होना है विरोध होने की क्या बात है तो भाई आप ऐसा तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं अताथा ही नहीं है आप बड़े बड़े गुंडों और बाहुबलियों को मैंने नाम दिया उनको भी परिवर्तित किया नहीं वो नहीं विरोध कर रहे हैं। जो खड़दर्शन के लोग हैं जिनमें दुनिया उलझी हुई थी वो विरोध करते वो आकर ब्रेन वॉश करते हैं आदमी का इसी प्रकार साहब ने जमकर अपने विचार रखे खुले मंच पर रखे नतीजा ये हुआ आप शास्त्रों में भी पढ़िए सिकंदर लोधी ने शेख तकी ने मिलकर साहेब को बावन कसनी दी जबकि साहब ने शांति और सबका संदेश दिया अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस समय कबीर साहब किस पटल पर है भक्ति के क्षेत्र में इस समय कबीर साहब बहुत ऊंचे पटल पर है महात्मा गांधी कबीर साहब के डेडिकेट फॉलोअर थे ये उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है उन्होंने कहा सत्य और अहिंसा ये संस्कार मुझे अपनी मां से मिले मेरी मां कबीर पंथी थी आज भी उनके पुराने घर में गुजरात में लिखा है श्वास श्वास प्रभु रे वृा श्वास ना खोए ना जाने के श्वास में आवन होए गांधी जी ने पूरा कबीर साहब को फॉलो किया चरखा भी साहब का लिया मांस और मदरा का सेवन भी वर्जित किया और सत्य और अहिंसा बोला आज महात्मा महत्म, गांधी के सिद्धांत और इन चीजों को विश्व के 102 देश मानते हैं ये बहुत बड़ी बात है वो आइडियोलॉजी ऑफ तो, गांधी नहीं है वो आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी तो ऑफ द कबीर है तो इस इस तरह वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो साहब पूरे व्यापक रूप से समाये हुए हर जगह आप खामोशी से चुपचाप जितने भी मत मतांतर चल रहे हैं उनके धर्म शास्त्रों का टटोलना अंदर से कबीर साहब मिल जाएंगे जितने भी मत मतांतर चल रहे हैं विरोध भी जमकर कर रहे हैं उनके दोहे साखियां शब्द भजन सभी स्थानों पर हो गए तो कहने का ये मेरा अभिप्राय है तो चौथी चीज आकर साहब ने सबसे निराली ये बात बोली उसमें क्या स्थापित किया कि जीवात्मा किसी भी प्रकार से संसार सागर से पार नहीं हो सकता है अंदर बहुत बड़े शत्रु हैं जब नाम की प्राप्ति होगी तभी ये जीव संसार से पार हो सकता है आप देखें जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश नाम के बाद आपके जीवन में कितना अमूल परिवर्तन आ गया है इस तरह नाम को स्थापित किया सभी संतों ने अगर आप सभी संतों को मथेंगे अंदर से कबीर साहब में लाएंगे आ जाएंगे मैं क्षमा चाहता हूं समय हो रहा है